नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी के प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि साइंस रिपोर्ट है दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस सीरीज़ को मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा करूँ। सो स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग अप्रैल मंथ के साइंस रिपोर्टर पर आते हैं। अप्रैल 2018 में ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी जैसा आप सब जानते हैं, कोर्स पर जाने के पहले हम अपने पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम्स या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या बैंकिंग के लिए, या जेई कोर्सेज के लिए, रेलवे कोर्सेज के लिए, आरबीआई के लिए, इवन यूपीएससी के डिफरेंट ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए, इसके अलावा नाबार्ड एग्ज़ाम, यूजीसी नेट, ओके, डिफरेंट तरह के लॉ एग्ज़ाम्स, इसके अलावा डिफेंस एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम्स, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे, अगर आप एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आईएएस की प्रिपरेशन के साथ, तो आप हमारे पेनड्राइव कोर्सेज को दिए गए नंबरों पर बात कर कर ले सकते हैं। आइए दोस्तों, साइंस रिपोर्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं इस बार ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो साइंस रिपोर्टर के टॉपिक्स रहे हैं। तो उनमें एक तो इंडियन साइंटिस्ट ने अभी एक दुनिया का सबसे थिनेस्ट मटेरियल डेवलप किया है, जिस बारे में हम लोग बात बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया का रोबोटिक टेलीस्कोप जो है वो एक कॉस्मॉस को देखने के लिए, मतलब उस पर नज़र रखेगा, जो भारत की तरफ से एक निर्मित है। आईआईएससी के वैज्ञानिकों ने एक बायोमार्कर टाइप की चीज़ खोजी है, जो कहीं ना कहीं अल्जाइमर बीमारी जो होती है उसमें उसकी पहचान कर हम उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी इस बार के मैगजीन में इशू रहा है। प्लस BND-4201 जो कि इंडिया का अपना गोल्ड स्टैंडर्ड को चेक करने का एक पैरामीटर है, जो हमने अपना बनाया है रात दोस्तों। इसके अलावा जो जुताई बुनाई करते हैं, ताना बाना टाइप का, यानी जो शीप वगैरह से जो हम ऊन निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्नो वाइट बेलगा पर भी लेकर वेल मछली के बारे में बात हुई है, तो बेलुगा वेल पर भी इशू रहा है। शायद अगर आप जानते हुए तो बेलुगा वेल जो है वो सबसे छोटी वेल मछली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर जो जुड़वा बच्चे हैं, समरूप जुड़वा है, यानी आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जहाँ बच्चे बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। बाकी जो लेक बैकाल है, बैकाल झील के बारे में, उनमें जो एक बहुत ही, मतलब एक अजीब सा, एक खूबसूरत सा आइस टाइप का स्ट्रक्चर भी बनता है। बाकी बैकाल झील के बारे में भी बात करेंगे। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बैकाल झील के बारे में लेकर रखा गया है इस बार की मैगजीन में। और प्लस इसके अलावा दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिलकर अभी नैनो रेस्पिरेटरी फिल्टर बनाया है, जो कि 10 रुपए में, अब जो कि अगर आप देखो तो विंटर्स वगैरह में, या पोल्यूशन लेवल दिल्ली का या पूरे भारत में, तो दीपावली के बाद दोस्तों काफी हद तक बहुत ही बदतर हो जाता है। तो 10 रुपए का एक ऐसा नैनो रेस्पिरेटरी फिल्टर है जो पूरी तरह से आपको डिफरेंट तरह के पार्टिकुलेट मैटर से आपको बचाने वाला है। तो ये वो इश्यूज हैं दोस्तों, जिन इश्यूज पे हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो पहले आते हैं दोस्तों, जो थिनेस्ट मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे थे, कि ऐसा कौन सा थिनेस्ट मटेरियल है जिसका निर्माण किया गया है। सो थिनेस्ट मटेरियल में अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, तो एक तो 1 1 लाख टाइम्स जो है वो थिनर है। अगर हम किसी पेपर के बारे में देखें, जो हम कागज या पेपर यूज करते हैं, उससे 1 लाख गुना अगर देखें तो ज्यादा छोटा है। दूसरी बात इसके बारे में बात करें, तो ये जो डेवलप किया गया है वो 2 डायमेंशनल एक मटेरियल है, ओके, जो कि पूरी तरह से एक नैनोमीटर थिकनेस के बराबर अगर देखा जाए तो इसकी थिकनेस है। और ये जो नैनो शीट हमने बनाई हुई है दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य किया गया है वो आईआईटी गांधीनगर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने, उनकी टीम ने मिलकर किया है, जहाँ पर जनरली हम लोगों ने मैग्नीशियम डाइबोराइड का यूज़ किया गया है, और जिसकी मदद से 2 डायमेंशनल एक मटेरियल का निर्माण किया गया है, जो पहले कभी इस तरह की चीज़ नहीं थी। यानी अगर मैं बोलूँ तो नैनो टेक्नोलॉजी में, अगर आपने मेरा पेन ड्राइव कोर्स में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, तो मैंने आपको वहाँ पर एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, जिसको हम लोग ग्रेफीन कहते हैं। तो सम हाउ अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रेफीन से ही मिलता जुलता एक कैरेक्टर है, एक मटीरियल है जिसका निर्माण भारत में किया गया है। ग्राफीन के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है। अगर ग्राफीन के बारे में बात करें, जो कि कार्बन का एक अपरूप है, या एलोट्रोप्स भी कहते हैं, जो कि 200 गुना ज्यादा मजबूत है स्टील से, और सिर्फ एक एटम थिक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन और कार्बन को हम एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरी एक शीट बनाते हैं, जिसके बहुत सारे यूज होते हैं, जो मैंने पेन ड्राइव कोर्सेज में समझाए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये जाने की थिनेस हमने इसका निर्माण किया है।
जैसा कि ग्राफिंग टाइप की जो चीजें हैं, या अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स को रोकने का भी प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन वगैरह हो अगर हमको स्टोर करना हो तो इस 2D स्ट्रक्चर्स के अंदर, अगर हम मटेरियल के अंदर देखें तो हाइड्रोजन गैस वगैरह को प्रॉपर तरीके से हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे एनर्जी वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेशन में भी ये काम आता है। अब ये कार्बन मेट है तो किसी तरह का इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं है, यानी इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए देखो तो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा आप ग्राफीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक साइंस टेक की बुक आती है, जिसमें आप मटेरियल टेक्नोलॉजी में आप नैनो टेक्नोलॉजी के चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जहाँ मैंने 0D, 1D, 2D, 3D स्ट्रक्चर को ढंग से बताया हुआ है। ओके, बाकी इस बार की मैगजीन में इतना ही था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं, इंडिया का एक रोबोटिक टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड में यानी कॉस्मोस में जो डिफरेंट तरह के डायनेमिज्म्स हैं यानी बदलाव हैं उनकी जानकारी देगा, है ना, उनके बारे में पता करेगा। तो जैसा भी बोला जा रहा है कि इंडिया बहुत ही जल्दी एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मतलब हम बना रहे हैं, जहां पर एक नए टेलीस्कोप को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले, है ना, जो कि बेसिकली लद्दाख में पड़ता है, तो ये पूरी तरह से इसको कमीशन करेगा यानी यहाँ पर बनाया जाएगा। ये टेलीस्कोप अगर बात करें दोस्तों, तो इंटरनेशनल एक नेटवर्क के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो डिफरेंट तरह के जो विभिन्न जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर, उन पर नजर रखेगा। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि इसको ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन, यानी इस नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में हम ग्रोथ भी कहते हैं। तो ग्रोथ का पूरा नाम है ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन, सो इसे हम ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। जो 70 सेंटीमीटर का जो टेलीस्कोप है, यह बहुत ही छोटा है, जो कि 2 मीटर हिमालयन चंद्रया टेलीस्कोप, जो इसके पहले हेनले में लगाया गया है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। बाकी लेह लद्दाख आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, हाल ही में इसके बारे में ये भी न्यूज में रहा है कि जो जैसा कि HST जो है हमारा वो खत्म होने वाला है। HST का मतलब होता है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको कहा जा रहा था दोस्तों कि 2015 के आसपास ही काम करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसके इंटरनेशनल लेवल पे जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया, उसका एक अदर ऑप्शंस बनाने की बात की गई थी, दैट वाज 30 मीटर टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में हम TMT के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, जिसका जो डायामीटर है, जो लेंस का है, जो ऊपर स्पेस को देखेगा, यूनिवर्स को देखेगा, वो 30 मीटर व्यास का है, यानी डायामीटर का है। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं इधर हाल में न्यूज में रही हैं। और वो 30 मीटर टेलीस्कोप भी पहले जो था वो मोनाकुआ वगैरह, हवाई वगैरह में लगाने की बात थी, लेकिन अब इसको भी हम ले में ही ले जा रहे हैं, लद्दाख के एरियाज में, वहां भी लगाएंगे। सो पूरी तरह से रोबोटिक टेलीस्कोप है, रोबोट आधारित है, जहां पे जनरली कह रहे हैं कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपीज हम इसमें खर्च करने वाले हैं। इसे पूरी तरह से जो इसकी फंडिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, सर्व, सर्व बोलते हैं दोस्तों, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये इसकी पूरी की पूरी फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा और बताऊं, जो डिफरेंट तरह के ट्रांजिट इवेंट हैं जो यूनिवर्स में होने वाले होते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जैसे स्टार्स, फ्लेयर्स, है ना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर्स या पदार्थ जो होते हैं जो स्पेस में होते हैं, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ब्रह्मांड में होने वाले विभिन्न तरह की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो होंगी हमें इनके बारे में काफी अच्छी तरह जानकारियां देंगे भविष्य में। देखते हैं इसका निर्माण कार्य और कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं समय के साथ साथ। ISC के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक बायोमार्कर आइडेंटिफाई किया है, जो कहीं ना कहीं हमें अल्जाइमर नामक बीमारी से निजात दिलाएगा। सो ISC बैंगलोर के साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने बायोमार्कर जो निजात किया है, इस बारे में बात करते हैं। जो सेंटर फॉर न्यूरो साइंस एंड सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक रिसर्चर यानी एक लैबोरेटरी कह सकते हैं आप, यहीं के वैज्ञानिकों ने जनरली इस तरह के एक प्रोटीन की खोज की है। तो एक ऐसे प्रोटीन की खोज की है जो जनरली क्या करता है, जब अल्जाइमर डिजीज होता है तो अल्जाइमर डिजीज के केसेस में जो नर्व सेल्स होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन काम होता है, ओके, नर्व सेल के साथ जो ब्रेन का कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता है, उस इफेक्ट को जो देखा गया, यानी जो इफेक्ट जो प्रॉपर होता है, उस इफेक्ट को शट आउट करने के लिए एक तरह का बायोमार्कर प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। सो वो बायोमार्कर प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिलहाल उसके काम पर हमें नहीं जानना है। जनरली अल्जाइमर डिजीज में होता क्या है, अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो नर्व सेल का और जो के साथ जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है, उसका जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन, वो कमजोर हो जाता है।
वो प्रोटीन जो कहीं ना कहीं इसे निजात दिलाएगा उसे एफ एक्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है फाइब्रिलर एक्टिन। ये एक प्रोटीन, जी प्रोटीन का एक पॉलीमर है, जिसकी मदद से हम इस बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। सो जो रिसर्चर्स हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने पहली बार एफ एक्टिन को मतलब इस तरह की एफ एक्टिन टाइप की बायोमार्कर प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कहीं ना कहीं अल्जाइमर नामक बीमारी से हमें उस तरह के कनेक्शंस जो कमजोर होते हैं उसको कम करने की कोशिश करेगा। और अल्जाइमर डिजीज में जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं आगे चलकर, समय के साथ जो मेमोरी लॉस होता है उसको बिगनिंग में ही एफ एक्टिन प्रोटीन जो होगा वो शॉर्ट आउट कर देगा, तो इस तरह की दिक्कतें हमें नहीं आएंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे भी आपके पेपर में आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है समय के साथ। हाल ही में अगर देखें तो भारत सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए हैं, यानी नीतियां बनाई हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्टअप करने की बात की गई है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखेंगी, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरली जो होता है एक तरह का मशीन होता है, जो पूरी तरह से देखें तो ह्यूमन की तरह की जो इंटेलिजेंस होती है ना, जो भी मतलब दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उस तरह के सारे ऑब्जर्वेशन एक मशीन के द्वारा किए जाते हैं। वास्तविक रूप में अगर हम बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं है ना, उसके अंदर कौन कौन से सब फील्ड्स आते हैं, किन किन क्षेत्रों में काम होता है, तो एक तरह से मशीन लर्निंग होती है, एक ऑटोनॉमस सिस्टम होता है, ये सब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स में आते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग होती है, रोबोटिक्स होता है, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी होता है, ये सब एआई के अंदर आने वाले डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जिनके अंदर एआई काम करता है। फिलहाल इन सारे के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे। यानी अगर मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बताऊं, जैसे अगर आपने टर्मिनेटर देखा हो, अगर आपने रावण मूवी देखी हो, आपने अगर रोबोट देखा हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक मशीन को आपने देखा होगा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन पर भी डोमिनेंट होने की कोशिश करता है। फिलहाल वहां जो केस देखा था वो पूरी तरह से निगेटिव केस था। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हम एआई को एक मशीन को इस तरह से इक्विप्ड कर सकते हैं जहां पे मशीन एक तरह से डिसीजन लेने की टेंडेंसी रखता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है, बहुत सारे ऐसे निर्णय भी देता है जो काफी हद तक ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। फिलहाल वो अलग बात है कि मूवीज में उसका निगेटिव रोल दिखाया गया है, उस सब बारे में हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। अगर हम इन मशीन को, जैसे बहुत पहले ये बात होती थी, क्या कोई हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मानव की मस्तिष्क की तरह सोचे, तो डेफिनेटली गाइज आज की अगर हिसाब से देखें तो हमने इस तरह की चीजें बनाई हैं और इस तरह की चीजों को हम प्रयोग में ला रहे हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे सब फील्ड्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई और दूसरा जिन्हें हम कहते हैं वीक एआई। सो दोस्तों बात होती है स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के बारे में। स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, ये पूरी तरह से ऐसे एआई होते हैं जो बिल्कुल उसी तरह से हो जाते हैं जैसे कि मानव का मस्तिष्क होता है। 100% अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एआई पॉसिबल नहीं है, जैसा कि वैज्ञानिक बोलते हैं। वीक एआई में हाँ ठीक है, सम हाउ ये ह्यूमन के मस्तिष्क की तरह काम करता है, लेकिन 100% ह्यूमन के मस्तिष्क की तरह काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन वीक एआई बहुत सारे बनाए गए हैं। सो दो तरह के एआई हो गए, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई हो गया, और दूसरा हो गया वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। एक्चुअल में अगर हम बोले स्ट्रॉन्ग एआई को ही हम लोग फुल एआई भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन होगा वो पूरी तरह से मानव समरूप हो जाएगा, ओके, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह से भी फुल एआई जो होगा वो मशीन बिकमिंग अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल इंटेलिजेंट टास्क जो ह्यूमन बींग करता है, 100% उस तरह से मशीन करने लगेगा। तो प्रैक्टिकली साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सारे ऐसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं जहां मशीनों से डिफरेंट तरह के परीक्षण किए जाते हैं, मशीनों से डिफरेंट तरह के उपयोग लाए जाते हैं। क्या कहलाया जाता है, जैसे टर्निंग टेस्ट है, टर्निंग टेस्ट में जनरली क्या होता है, ह्यूमन और मशीन की बातचीत होती है। कॉफी टेस्ट है, जहां पर देखा गया कि एक मशीन जो होता है वो प्रॉपर घर के अंदर एक प्रॉपर कॉफी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाता है, जो कि आपके लिए प्रॉपर मशीन किस तरह से काम कर रहा है आप ये देखो मशीन। कॉलेज एडमिशन टेस्ट का पूरा प्रोसीजर एक मशीन के द्वारा होता है, जैसे एक एनरोलमेंट आपका ले लो, आपकी क्लास की ज्वाइनिंग ले लो, आपका जो एग्जाम क्लियर होता है उसकी पूरी डिग्री मार्कशीट वगैरह ले लो, सब कुछ मशीन से कराया जा रहा है। अपार्ट ऑफ दिस इंप्लायमेंट टेस्ट वगैरह अगर बात करें, जैसे मशीन इज गिवन एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जॉब, ओके, तो कहीं ना कहीं इन सारी ऐसे एरियाज हैं जहां पर मशीन को हम एज ए इम्प्लाई की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह के अगर हम बात करें तो जो एआईज हैं उनके परीक्षण हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन रूपों में पूरी दुनिया में टेस्ट कर देखा गया है, जहां पर मशीन का प्रयोग हो रहा है।
आगे बात करते हैं एआई के जो डिफरेंट जो अनुसंधान के जो रिसर्च एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट रिसर्च एरियाज में एआई काम करता है, जैसे मशीन लर्निंग, जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे रोबोटिक्स। एक्चुअल में जो रोबोटिक्स है, जो आपकी सिलेबस में अगर हम आईएएस की बात करें तो आईएएस पीसीएस के सिलेबस में रोबोटिक्स आपके पेपर के मेन्स में ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया है। अपार्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं एआई के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समसामयिकी में आज के हिसाब से आज के मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में ये कहीं ना कहीं एआई के अनुसंधान है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला था, जहाँ एक कंप्यूटर को जो हम पूरी तरह से प्रोग्राम करते हैं, है ना, उस कंप्यूटर की मदद से हम पूरी तरह से क्या करते हैं, एकदम मानव की तरह चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मशीन जो होती है वो अपने आप ही चीज़ों को समझती है और डिफरेंट तरह के जो विभिन्न टास्क होते हैं उनको करने की कोशिश करती है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे अगर हम किसी मशीन की बात करें तो किसी मशीन की मदद से ह्यूमन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं वेरी इजली थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन। रोबोटिक्स भी एक तरह से देखें तो ये एआई का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, एआई का इंटीग्रल पार्ट है जिसके बारे में आप लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इस डिस्कशन में कहीं ना कहीं आपको बताऊं तो एआई के केस में अगर हम बोले तो सोफिया भी एआई का ही उदाहरण आता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोट जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, आज हम उसको बहुत ही अप्लाइड एरियाज में ले जा रहे हैं, बहुत ही आधुनिक तरीके से उसके उपयोग की बात कर रहे हैं। जहाँ पर एआई रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले दुनिया में एआई को लाया गया अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पर जनरली जो एआई का यूज़ किया गया वो रशियन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू रशियन, इस तरह के लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को मशीन की मदद से किया गया। बाद में चलकर एआई के और भी प्रयोग हुए, धीरे धीरे एआई का प्रयोग और भी बढ़ता गया। अगर हम आज भी एआई के बारे में बात करें तो बहुत सारे एआई से निर्मित ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे सामने भविष्य में आने वाली हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है दोस्तों, ड्राइवरलेस कार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रोन्स, और प्लस डिफरेंट तरह के जो फ्रॉड होते हैं उन फ्रॉड को चेक करने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं एआई का यूज़ करने वाले हैं। ड्राइवरलेस कार में अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स जो ड्राइवरलेस कार के हैं जो हमारे सामने आने वाले हैं, जैसे वाइमो है जो गूगल एक्स एस है ना, एस का है, मॉडल एक्स जो है वो टेस्ला का है, मॉडल 3 जो है वो टेस्ला का है। ये ऐसी गाड़ियां हैं दोस्तों, ऐसे कार्स हैं जो कि ड्राइवरलेस हैं, जिनमें पूरी तरह से एआई काम करेगा, अपने हिसाब से गाड़ी की स्पीड मेंटेन होगी, अपने हिसाब से गाड़ी रुक जाएगी, जिस तरह से सारा का सारा कंट्रोल किया जाएगा। फरवरी 2017 में दुबई ने अनाउंस किया है कि जल्दी ही वो अपने वो आकाश में उड़ने वाला एक ड्राइवरलेस ड्रोन बनाएगा, और इसकी मदद से इंसान जो होगा उड़ता हुआ चलेगा, यानी ड्राइवरलेस ड्रोन। यानी इस तरह की संकल्पनाएं हैं, इस तरह के उदाहरण हैं जो एआई के थ्रू लाए जाने की बात हो रही है। रोबोटिक्स के बारे में बात करें तो रोबोटिक्स अपने आप में एक बहुत ही अनोखा अनोखा एक स्टडी है, जो पूरी तरह से एआई के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो इस रोबोटिक्स को या पूरी तरह से एआई को हम डिफरेंट जगहों पर प्रयोग में ला सकते हैं, जो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह के ह्यूमन रिलेशंस में मदद करता है। जहां पर अगर मेडिसिन में बात करें तो हम इस तरह के रोबोटिक्स की मदद से हम अगर बोलें तो हम ऑपरेशंस तक कर सकते हैं, जैसे एक दविंसी सर्जिकल सिस्टम करके एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस भी बनाया गया है, दविंसी सर्जिकल सिस्टम। ये दोस्तों एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है जिसकी मदद से हम रोबोटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। शायद आपको पता होगा 2010-2011 में भारत में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की गई, जो कि एम्स में की गई थी, जहां पे उस शख्स की बॉडी के अंदर से थाइमस नामक जो ग्लैंड है या ग्रंथि है इसको ऑपरेशन करके निकाला गया था, जिस बंदे को मायसिनिया ग्रेविस नामक बीमारी थी जहाँ पर इंसान मर सकता था। यानी हम कहीं ना कहीं रोबोटिक्स वगैरह की मदद से ऑपरेशन तक करने की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट पर्सनल हेल्प में, हॉस्पिटैलिटीज़ में, है ना, इसके अलावा दोस्तों डिफरेंट तरह के पर्सनल यूज में रोबोटिक्स यूज में लाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से एआई का उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन डिफेंस में भी हमने रोबोटिक्स एक बनाया हुआ है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसका नाम दक्ष है। दक्ष क्या करता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे मान लो कोई खतरे वाले कोई बम है या इस तरह की चीज़ें, तो लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग एक तरह से कंसेप्ट है पूरी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा मशीन को सिखाया जाता है डिफरेंट तरह के डेटा को देकर, जिसकी मदद से ह्यूमन के साथ वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता कार्य करता है।
यानी किसी मशीन लर्निंग के अंदर हम करते क्या है, जनरली मशीन के अंदर बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन डालते हैं और उन इंफॉर्मेशन के बेस पर मशीन्स अपने डिसीजंस लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है अदम, गूगल का गूगल ब्रेन, ये ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के उदाहरण हैं जो पूरी तरह से दोस्तों मशीन लर्निंग पर होकर काम करते हैं। अदम तो मैंने इसका एक वीडियो भी देखा हुआ है, एडम का मैंने एक कहीं जो सबसे पहले जो एडम के बारे में बताया गया था वहाँ पर उस वीडियो में क्या था दोस्तों, एक डॉग था, एक डॉग की फोटोग्राफ ली जाती है, उस डॉग की पिक लेने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, जो एआई सिस्टम होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एडम होता है, वो खुद बता देता है वो डॉग की ब्रीड कौन सी है। यानी इस तरह के है, यानी कहने का मतलब है अगर आप अदम के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप मेरी फोटो ले लें तो आप बता सकते हैं ये किस तरह का मानव है। क्योंकि मानव भी कई तरह के हो सकते हैं, नियंडरथल हो सकते हैं, क्रोमैग्नॉन हो सकते हैं, होमो हैबिलिस हो सकते हैं, होमो इरेक्टस हो सकते हैं। तो उस तरह के कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस इस तरह के प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने खुद देखा हुआ है। सोचो एक फोटोग्राफ लेके आप किस ब्रीड के हैं, किस नस्ल के हैं, सब कुछ बता दिया जाता है। सिमिलरली गूगल ब्रेन भी इसी तरह के कुछ मिलता जुलता काम करता है, ये भी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का ही एक जीता जाता उदाहरण है। फिलहाल गूगल ब्रेन भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप कभी गूगल पर जाइए और कभी आप उस पर गूगल ब्रेन डालकर उस पर इंफॉर्मेशन लीजिए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जो मैंने खुद किया है, मैं अगर गूगल ब्रेन पर जाऊँ, गूगल की साइट पर जाऊँ और बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बाई अ पिज्ज़ा, ओके, तो जानते हो दोस्तों वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे देखो वो कितना मतलब कैलकुलेटिव है, वो आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा पिज्ज़ा क्या, वो सीधा पूछता है कौन सा पिज्ज़ा चाहिए, किस साइज़ का चाहिए, कितनी देर में चाहिए, मतलब हर वो क्वेश्चंस आपसे करता है। आपको लगता है जैसे कोई शख्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, लेकिन पूरी तरह से ये पूरा का पूरा काम एक मशीन करता है। अगर हम सबसेट की बात करें, जैसे मैंने बोला एआई, एआई के अंदर एआई के अंदर दोस्तों, जैसे ये मान लो एआई है, ठीक है, एआई के अंदर आता है, दैट इज एआई, ओके, एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग एमएल, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है उसके अंदर का सेट होता है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। तो एआई के अंदर आया उसका सबसेट क्या है, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर का सबसेट क्या है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या टॉपिक होता है दोस्तों, डीप लर्निंग भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, इस तरह के टर्म्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीप लर्निंग में मान लो डीप लर्निंग का वो केस होता है, ये भी एक तरह का एक सब फील्ड है जो किसके अंदर आता है, जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आता है। तो एक बात ध्यान रखना, एआई का सबसेट क्या है, एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट क्या है, दैट इज अ डीप लर्निंग। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ओके फाइन। सो डीप लर्निंग का जो केस है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी मशीन को काफ़ी हद तक एफिशिएंट बनाते हैं, और यहाँ पर एफिशिएंसी इस लेवल पे होती है कि तकरीबन वो काफ़ी हद तक मैक्सिमम डेटा को यूज़ करके और 99% तक आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है और पूरी तरह से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कहीं पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटाज हैं, जैसे न्यूरॉन का केस है, तो ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्वस एक्टिविटीज है, हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूरॉन्स इस तरह की एक्टिविटीज होंगी सारे डेटा को दे देंगे इसके अंदर, और ये उसकी मदद से सारे इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी NLP। NLP एक तरह से एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है, इमर्ज हुआ इंपॉर्टेंट एरिया है, जो ह्यूमन मशीन को इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस तरह की जो हम स्पीचेस हैं जो बोलते हैं और उसको हम जो रिकॉग्नाइज करने का जो पैटर्न होता है उसको कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करता है, और इसकी मदद से जो मशीन होता है पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करता है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें। जैसे मैंने कहा कि एक मशीन के थ्रू, अच्छा आप लोगों ने कभी एक चीज़ ध्यान दिया है दोस्तों, जब आप गूगल पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को स्पैनिश में ट्रांसलेट कर लें, स्पैनिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर लें, फ्रेंच को इंग्लिश में कर लें, इंग्लिश को हिंदी में कर लें, तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपकी मदद करता है। एक्चुअल में अगर हम बैकग्राउंड में बात करें तो ये बैकग्राउंड में एक AI है जो आपकी मदद कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसी को अगर हम बहुत डीप लेवल पर जाएं और इस तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ करने की कोशिश करें तो ये एक तरह का डीप लर्निंग का उदाहरण होता है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मोदी साहब को इंग्लिश नहीं आती, तो मोदी साहब कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, अगर वो बोलते हैं हिंदी में भी हैं तो वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आता है, फाइन। अब ये कितना सच है ना, इस बारे में कह पाना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक इंटरेस्ट के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताकर मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइन। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जो डिफरेंट तरह के AI के प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं।
एक तो गूगल ब्रेन है जिसके बारे में आपको बोल चुका हूँ कि पिज्जा वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, अदम का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जहाँ कुत्ते को मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा था उसकी ब्रीड कौन सी है। इसके अलावा आप और भी देखो, मैसी देखो आप, सीरी देखो आप, गूगल असिस्टेंट देखो आप, अलेक्सा देखो, ये सारे के सारे। एक तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल खुद ही करा सकता हूँ कि मेरे सामने ऑलरेडी सीरी है। जैसे मैंने कहा मैसी, मैसी जो है वो अमेजन की एक सिक्योरिटी सर्विसेज है दोस्तों, जो पूरी तरह से मशीन लर्निंग पर आधारित है, जो डिस्कवर करता है, क्लासिफाई करता है डिफरेंट प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डेटा जो अमेजन वेबसाइट पे है, उसको सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश करता है। अमेजन के जो डेटाज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सीरी एक तरह से एप्पल आईफोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक पार्ट है, जो पूरी तरह से पर्सनल असिस्टेंस करता है, मुझे हेल्प करता है पूरी तरह से, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग और डिफरेंट, है ना, इस तरह से पूरी तरह से ये काम करता है। फिलहाल सीरी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ओके, जैसे ये देखो आप, मेरे हाथ में आईफोन बड़ा हुआ है। ओके, सो मेरे हाथ में ये आईफोन है। और मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखना, मैं इसमें सीरी को ऑन करूंगा। सीरी एक तरह से पूरी तरह से एआई पर आधारित, एआई पर आधारित एक तकनीकी है जो आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ। लेकिन याद रखना मेरे मोबाइल फोन में इंटरनेट ऑन है। इस iPhone 10 में देखा मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने सीरी को ऑन किया। मैं सारे क्वेश्चन सीरी से पूछूंगा और सीरी विल गिव मी ईच एंड एवरी आंसर। हेलो सीरी, हाउ आर यू? I'm happy to be alive. हेलो सीरी, वेयर आई एम राइट नाउ? You're in Madhya Pradesh. हेलो सीरी, व्हाट अबाउट टेम्परेचर इन नोएडा टुडे? Sorry, I don't know where that is. हेलो सीरी, व्हाट अबाउट टेम्परेचर इन दिल्ली टुडे? The high temperature today in New Delhi will be 33 degrees and the low will be 22 degrees. So I hope guys that is enough to understand whatever I'm asking. Okay, मतलब sorry, it's a Hindi. So मैं जिन चीज़ों को भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे इस मोबाइल फोन में इस सीरी की मदद से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक मशीन है जो पूरी तरह से मुझे मेरी हेल्प कर रहा है। अगर मैं नेविगेशन करना चाहूँ, जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि मुझे व्हाट्सएप खोलना है, आई वॉन्ट टू प्लीज ओपन व्हाट्सएप, तो ये एक बार में मुझे व्हाट्सएप खोल देता है। यू जस्ट चेक गाइस, प्लीज ओपन व्हाट्सएप। You'll need to unlock your iPhone first. Okay, fine. Now it's unlocked. So finally, what happened, guys? My WhatsApp open and you can see right now. So the thing is what? कि मैं जो भी चाह रहा उन चीजों को मुझे Siri की मदद से बहुत ही आसान हो जा रहा है। So ये एक तरह से मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि किस तरह की चीजें हैं। थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और मैं वीडियो के साथ आने के पीछे एक लॉजिक यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे बात करते हैं गूगल असिस्टेंट्स पे बात करते हैं। तो गूगल पे भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट तरह के पर्सनल असिस्टेंट्स जो आपको मदद किए जाते हैं, वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह की जो हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं। अलेक्सा के बारे में बात करें तो अमेजन का एक इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट्स है जो स्मार्ट स्पीकर्स जैसे अमेजन इको वगैरह की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे अमेजन इको की तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसे आप अमेजन इको के नाम से भी जानते हैं, स्मार्ट स्पीकर है। और इसकी मदद से आप डिफरेंट तरह के इंटरेक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक प्लेबैक, है ना, डिफरेंट तरह की अलार्म आप लगा सकते हैं। तो अमेजोन वगैरह पे भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वॉटसन करके जो एआई है, जो आईबीएम का है, वो क्वेश्चन आंसरिंग कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की तरह काम, यानी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग पर आधारित है। इसके अलावा कॉर्टेना की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंस है। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो आप जानते हैं आप सारी चीज़ों को बोलकर अपने पूरे फाइल को आप कंप्यूटर पर एक साथ ही खोल सकते हैं। दोस्तों पिछले साल अगर हम बात करें तो एक ऐसा रोबोट है जो पिछले 2 सालों में बड़ा पॉपुलर रहा है, जिससे हम पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, ऐसा पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बोल रहे हैं जिसको हम सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। फिलहाल पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तो एसिमो था, जिसको हम एसिमो एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, जो जापान की कंपनी ने बनाया था, होंडा मोटर कंपनी ने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोफिया
नाम का एक ऐसा पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना जो कि सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे हांगकांग की एक कंपनी है हैंसन रोबोट्स टिक्स ने ही बनाया है। और ये रोबोट ऐसा है जिसमें 62 तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस भी डाले गए हैं, यानी जैसे मैं गुस्सा हूँ है ना, या बहुत हैप्पी हूँ, या जिस तरह के एक्सप्रेशंस देता हूँ, सिमिलरली इसमें 62 टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस को डाला गया है। सबसे ज्यादा इसके बारे में ये बोला जाता है दोस्तों, इसके बाद न्यूज जो है ये अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप भी दिया गया। तो दुनिया में पहली बार जो किसी मशीन को या रोबोट को सिटीजनशिप दिया गया वो 2017 में, दैट वाज सोफिया। सोफिया को हम सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट के नाम से जानते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, शायद आप में से काफी स्टूडेंट्स को ना भी पता हो, सोफिया की जो शक्ल है वो एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, एंड्री हैपबर्न, उसी की शक्ल दी गई है। और ये पूरी तरह से विजुअल डेटा प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन के बेस पे काम करता है। इसमें जो आईज है वो आईज एक तरह का कैमरा है जो पूरी तरह से कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बेस होके काम करता है। इसमें जो फेसेस वगैरह इसके हैं, इसमें आई कॉन्टैक्ट्स है, रिकॉग्निशन किसी इंडिविजुअल की पहचान करना, ये सब इस कैमरे की मदद से हो जाती है। इवन इसमें अल्फाबेट वगैरह को और बातचीत को समझने के लिए इसमें जो गूगल क्रोम वॉइस रिकॉग्निशन तकनीकी है, वही गूगल क्रोम जो आपके कंप्यूटर पर होता है उसी को इसमें डाला गया है, जिसके बेसिस पर ये आपके क्वेश्चंस को सुनती है, समझती है, और उसी एआई की मदद से ये आपको जवाब देती है। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमने इस सोफिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को मर्ज कर दिया है, और उसकी मदद से सोफिया जो है पूरी तरह से फुली एक तरह से ह्यूमन की तरह की चीजों को सोच पाता है और उन चीजों के बेसिस पर अपने निर्णय ले पाता है। हैंसन ने सोफिया के साथ साथ अगर हम बात करें, इवन कहते हैं दोस्तों कि सोफिया जो होता है वो बूढ़े लोगों की या जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी मदद भी करेगा, है ना, काफी नर्सिंग होम वगैरह में या किसी क्राउड एरियाज में या किसी बहुत बड़े पार्क, किसी बड़े एरियाज में हम सोफिया के बहुत सारे यूज कर सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, शायद आपको पता ना हो, जिसकी इंफॉर्मेशन साइंस रिपोर्टर अप्रैल 18 में दिया गया है कि रोबोटिक इसके सोफिया के कुल 7 भाई बहन भी बनाए गए हैं। और ये भाई बहनों के जो नाम है ना, जो इनके सिबलिंग्स हैं है ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइंटिस्ट वगैरह के बेस पर ही नाम दिए गए हैं। इन 7 भाई बहनों के नाम भी बोल देता हूँ, एलाइस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ह्यूगो, बीना 48, हान जूल्स, प्रोफेसर आइंस्टाइन, फिलिप के डिक, एंड्रॉइड जेनो, ज्वाई चोटिक, ये सारे के सारे लोगों के नाम, तो मतलब ये नाम हमने 7 सिबलिंग्स के नाम दिए हैं। सोफिया के बारे में ऐसा कहते हैं कि भविष्य में ये हेल्थ केयर सेक्टर में, कस्टमर सर्विसेज में, थेरापी में, एजुकेशन में ये पूरी तरह से काम करने वाला है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ दोस्तों, अगर जैसे अगर आप मेक माई ट्रिप पर कॉल करें, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप मेक माई ट्रिप पर कॉल करें तो मेक माई ट्रिप पर क्या होता है ना कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं, ओके, और आपको लगता है एक लेडी है, उसने फोन उठाया है आपको, प्रॉपर हेलो सर, हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग सर, है ना, 24 आवर्स आपको सर्विस मिलती है, ओके, वो आपको चीजें पूछ, आप उनसे चीजें पूछते हैं, आई वॉन्ट टू अ सिंगल रूम, ओके, तो आप पूछते हैं इनमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो आपको सारा कुछ बताती है। लेकिन जब आप फोन रख देते हैं तब तक आपको पता नहीं होता है ना कि वो चीजें क्या है। वो पूरी तरह से एक तरह का AI है जो आपसे बात करता है, वहाँ 24 आवर्स कोई ह्यूमन नहीं है जो आपकी मदद कर रहा है, वो AI है जो हमने डेवलप किया है, जो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स देता है, जो आपको, आप में से काफी लोगों को पता नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन आपको सही सही दिए जाते हैं। ओके, और आपको लगता है कि आप किसी महिला या किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, आप उनसे सारी जानकारियां ले रहे हैं, ओके, पर ऐसा नहीं है। भारत में अगर हम AI के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो भारत में AI कहाँ है, भारत में AI का ग्रोथ कैसे है। इंडिया अगर दुनिया में बोले तो 3rd या 4th नंबर पर आता है AI में, ओके, AI के रिसर्च में, AI के यूजर्स में। 2018 में भारत के बजट में 1 फरवरी 2018 को भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपीज जो है एलोकेट किया है, जहां पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से मैसेज है कि हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च को या इस तरह की चीज़ों को हम काफ़ी बूस्टअप करने का प्रयास करेंगे। इवन नीति आयोग में भी ये पूछा गया है कि बोला गया है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से हमें ऐसा एक रोड मैप बनाना होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रोग्राम चलाना होगा जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम किसी अनुसंधान और किसी विकास कार्य को कर सकते हैं,
बड़े लेवल और है ना, हमें हमें एआई अगर देखा जाए तो काफी हद तक सिस्टम फेयर हो जाएगा। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप भी बोला है शुरू करने के लिए, और बहुत सारे स्टार्टअप पे गवर्नमेंट ने मदद करने के लिए बोला है जो एआई से रिलेटेड होंगे, उनको ये वेंचर फंडिंग की बात करते हैं, उनको डिफरेंट रिसर्च के लिए उनको प्रमोट करने की बात करते हैं, जिसकी मदद से हम आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन में हम इन एआई की मदद ले सकते हैं और अपने अगल बगल की चीज़ों को काफ़ी हद तक सिस्टमैटिक, फेयर और फास्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर भारत में भी 2018 में प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर क्लस्टर्स में भी इंडिया का एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है, केयर है ना, एक लेबोरेटरी है जो कि डीआरडीओ के अंदर काम करता है। ये भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो एआई के बना रहा है। एआई के जो डिफरेंट वेरियस स्टार्टअप हैं जो भारत में शुरू किए गए हैं, जैसे एक्टिव एआई है जो एक कन्वर्सेशनल बैंकिंग सर्विसेज है, तो बैंकिंग बैंक के बारे में जो आगे एम्प्लाईज होते हैं उनके बीच में एक तरह का कन्वर्सेशंस होता है जिसको मेंटेन करता है। एलेंड्रा सिस्टम जो होता है वो डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द पीपल और ऑब्जेक्ट्स, तो लोगों को और वस्तुओं की जानकारी देता है। आर्टिफिशियल करके जो है वो डीप लर्निंग का एक एआई है जो भारत में बनाया गया है। एक्टिवेटेड डेटा लैब्स जिस पे काम चल रहा है, ये बहुत ही टाइनी रोबोट्स होते हैं, छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, कैप्सूल की तरह होते हैं, जिनको हम बॉडी के अंदर भेजकर हम बॉडी के अंदर की डिफरेंट जानकारी ले सकते हैं। आर्या एआई जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि न्यूरॉन टाइप की चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करती हैं। फ्लूइड एआई है जो कि पूरी तरह से फेशियल रिकॉग्निशन, फेस को चेक करता है, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बैंक के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, फाइनेंस, वेब और गवर्नमेंट सेक्टर में ये मदद करेगा। इसके अलावा मार्स एआई जो है वो एक तरह से चैट बोट्स है जो मार्केट और कस्टमर सर्विसेज देने देने का प्रयास करेगा बेहतर तरीके से। सिक टपल है जो कि मेडिकल डायग्नोसिस में काम करेगा, और एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा जो मेडिकल डेटा होगा उसको भी संग्रहित कर रखेगा। कल को अगर मान लो कल आप कोई टेस्ट कराना चाहते हैं, कुछ साल बाद आपको कोई बीमारी होती भविष्य में, तो आपके पीछे का क्या रिकॉर्ड है, उस तरह के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को ये सुरक्षित रखेगा। केयर प्रोडक्ट जो कि डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करता है, उसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में बनाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ वो डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। जैसे नॉलेज रिसोर्स एंड इंटेलिजेंट डिसीजन एनालिसिस को क्रीडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं आदि को देने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। इसके अलावा रोबोसेन करके एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो कि मतलब पेट्रोलिंग के लिए डिफरेंट सर्विलेंस वगैरह जो आर्म फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस वगैरह को, इन लोगों की मदद करेगा। बहुत ही मिनिएचर स्मॉल साइज के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं एक पोर्टेबल एक तरह का रोबोटिक प्रणाली है जो आसानी से किसी ऐसी एरिया से पहुंच सकता है जहां पर से जानकारी लेनी हो। रोबोट्स की मदद से हम बहुत ही लॉजिस्टिक सपोर्ट पा सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जिनमें कैन वॉक 6 एंड 4 लेग्स है पाए जाते हैं, जो जिन स्थानों पर जहाँ पर सोल्जर्स को नहीं पहुँचा सकते या उनकी जान का खतरा होता है, उन स्थानों पर ये चीज़ें पहुँच कर और हमें अच्छी जानकारियाँ देते हैं। इवन इस तरह की चीज़ें हम देखो तो कैन क्लाइम भी कर सकती हैं, और इनमें कुछ फ्लैप विंग्स भी होते हैं। केयर जो है एक तरह से जो ICAR के साथ मिलकर जो काम कर रहा है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन के साथ, ये डिफरेंट तरह के ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है जो हैंड रिटन एंट्रीज करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उन एंट्रीज को कर लेता है। स्नेक रोबोट के बारे में भी कुछ चीज़ें आई हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करता है जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो कोई कोई प्राकृतिक आपदा या इस तरह कोई चीज़ हो जाती है वहाँ पे केयर, ये केयर ही है ऐसा बॉडी है जो डीआरडी के अंदर काम करता है, इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर रहा है, तो थोड़ा सा केयर आपको ध्यान रखना होगा। भारत का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जो भारत ने अपना बनाया है जिसे BND 4001 के नाम से जानते हैं। इंडिया नाउ हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड बार ऑफ गोल्ड जिसको BND 4201 के नाम से जानते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने कोशिश की है कि भारत का अपना एक गोल्ड की प्यूरिटी है जिसको जिसको मेजर किया जाता है, इसको लेकर इसको एक्चुअल में BND का पूरा नाम जो है वो भारतीय निर्देशक द्रव्य के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया का पहला होम ग्रोन हाई प्योरिटी गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड है। इससे पहले भारत ने कभी अपना कोई स्टैंडर्ड इस तरह से गोल्ड के केस में नहीं बनाया है। इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, इसका इसका जो प्योरिटी गोल्ड जो बनाया गया स्टैंडर्ड, इसमें किसने इसने मिलकर बनाया है, तो उसमें इंडिया गवर्नमेंट, मिंट, IGM, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
सीएसआईआर की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, इन सब ने मिलकर इस गोल्ड के स्टैंडर्ड्स को बनाया है। आगे बात करते हैं कि जो जुताई बुनाई होती है वो वीविंग वांध के बारे में, जो हम स्वेटर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस बार के साइंस रिपोर्टर में गद्दीज के बारे में बात की गई है। गद्दीज हिमालय के एरियाज में पाए जाने वाले वो ट्राइब्स होते हैं जो जनरली जो भेड़ होते हैं, है ना, उनको पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, जनरली मीट प्रोडक्ट्स और वूल के लिए यानी ऊन के लिए। जनरली ये जो पाए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन एरियाज में ये गद्दीज जो होते हैं, गदाई गदाईज गद्दीज बहुत तरह के प्रोनंसिएशन हैं, इस तरह के ट्राइब्स मिलते हैं। जनरली ये क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर अगर देखो ये जनरली ये रहने वाले कहाँ के, फिलहाल काफ़ी जगह पे बर्ड जा चुके हैं, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो कि हिमालय हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसके भारमर रीजन के रहने वाले हैं, जो कि इन एरियाज तक फैले हुए हैं। गद्दीज जो होते हैं वो सीजनल माइग्रेशन करते हैं क्रिस क्रॉस द हिमालयन वैलीज और हिमालय वैलीज के इधर उधर, वो हमेशा न्यूमैटिक की तरह मतलब आते जाते रहते हैं, मतलब इधर उधर करते रहते हैं, भटकते रहना तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, फाइन इस तरह का वर्ड। इवन ये ऊल निकालते हैं, उसको बुनते हैं, डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, है ना, और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो ऊल निकालकर उनकी बुनाई करने तक की जाती हैं, इसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ। तो पहली बात होती है शेयरिंग करना। शेयरिंग का मतलब होता है कि आप फ्लीस कीजिए, बूल की फ्लीस लीजिए, उसको निकालिए। होता क्या है कि आप उसको कटर से क्या करते हैं, पूरा जो शिप के ऊपर जो जनरली विंटर्स के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में तो भेड़ के ऊपर जो ऊन होते हैं वो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ऊपर के जो वूल्स होते हैं, है ना, फ्लीस जो होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एनिमल को बिना कोई नुकसान पहुँचाए। उनको हम करते क्या, जो वूल फ्लीस जो निकल जाते हैं ऊपर के जो ऊन निकल जाते हैं उनको हम एक सैक में कलेक्ट करते हैं और फिर उनको गाँव वगैरह में ले जाते हैं। जनरली ऐसा कहते हैं कि जो गद्दी मैच्योर गद्दी शीप दैट वेट्स, है ना, वो तकरीबन 30 किलो के आसपास अगर पूरा का पूरा अगर है तो 1 से 2 किलो ऊन फ्लीस उनमें निकलता है पर ईयर फेंचिंग समवेयर बिटवीन, और उनकी कास्ट जो होती है वो 500 से 800 पर केजी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। कुछ यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा फैक्चुअल है, फिलहाल इन फैक्ट्स को यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं, थोड़ा याद रखेगा। कार्डिंग क्या होता है, हम इन ऊन फ्लीस को हम निकाल कर क्या करते हैं, उन्हें प्रॉपर हम उन्हें वॉश आउट करते हैं, उसमें के डर्ट वर्ट निकल जाते हैं। अब देखो जैसे कि जो भेड़ होते हैं उनके पसीने होते हैं, उनके साथ बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं जो लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऊन को पूरी तरह से साफ कर लेते हैं, उनके डर्ट को निकाल देते हैं, उसके बाद उनको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी पूरी फ्लफी करते हैं, क्लीन करते हैं, नॉट फ्री करते हैं, उनमें जो टाइट टाइट्स हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से फ्री करते हैं। उसके बाद हम उसी क्या करते हैं, जैसे कंघा होता है ना, कंघा से हेयर को अलग अलग कर देते हैं जब गुथे हुए हैं। एग्जैक्टली सफाई करने के बाद, सुखाने के बाद जो रुइयाँ होती हैं ना वो गुथ जाते हैं, तो लोग कंघे से क्या करते हैं, कार्डिंग कार्डिंग है ना, देखो कार्डिंग करते हैं, तो कार्डिंग करते हुए क्या होता है, फाइबर जो होता है वो ईजिली अलग अलग हो जाता है, उसके लिए हम कंघा या हैंड कार्डर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम उसी क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग में क्या होता है, हम उस पर थ्रेड्स बनाते हैं, है ना, उसको साफ करने के बाद उसको आपस में जोड़कर उसे थ्रेड्स बनाते हैं, जिसके लिए जनरली हम तकली का प्रयोग करते हैं। तो तकली के माध्यम से हम क्या करते हैं, उससे डोरे बनाते हैं, उससे थ्रेड बनाते हैं, प्लस इसके साथ हम एक चीज़ और करते हैं, इन थ्रेड वगैरह को हम क्या करते हैं, इनको कलर देते हैं, क्योंकि जो हम स्वेटर बनाना चाहते हैं उनमें हम डिफरेंट तरह के कलर्स देना होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के कलर्स आ जाते हैं ऊन के। जनरली जो नेचुरल डाइज होते हैं उनको जनरली जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के ड्रेसेस के लिए। ओके, जनरली जो इंफॉर्मेशन दिया गया, इनको जब हम डाइंग करते हैं तो 1 किलोग्राम ऊल में, है ना, 1 किलोग्राम ऊल की अगर हमें डाइंग करनी है तो तकरीबन 100 ग्राम प्लांट के पार्ट को लेते हैं, जिस प्लांट के केमिकल इंग्रेडिएंट से मतलब कलर से इसको हमें कलर करना है। ओके, 100 ग्राम प्लांट के पार्ट को लेके 5 लीटर पानी में बॉयल करते हैं, जो कलर आता है उसके अंदर 1 किलोग्राम ऊल को डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका प्रॉपर कलर हो जाता है, फिर हम उसमें कुछ केसेस में एलम या ऐश को भी मिला देते हैं जिससे कलर और पक्का हो जाए। बाद में फिर हम उसको ड्राई करते हैं उसके सेट को, और फिर उसको हम बुनने के लिए करते हैं, यानी उसकी वीविंग करते हैं। तो वीविंग में वही ताना बाना होता है, जो चरखा वगैरह, चरखा नहीं, जो
अगर आपने देखा होगा जो सूत का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताना बाना बोल लो, है ना, ताना बाना करते हैं, यानी उनके फाइबर्स को जोड़ते हैं, स्ट्रेट जोड़ते हैं, राइट साइड जोड़ते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा जो इंटरवोवन करके स्ट्रक्चर होता है, और करके लास्ट में पूरा प्रोडक्ट तैयार हो, चाहे कोई सॉल हो, कोई पत्तू हो, इस तरह की चीजें बनकर तैयार हो जाती है। आगे बात करते हैं स्नो वाइट बेलगा वेल के बारे में दोस्तों। स्नो वाइट बेलगा वेल के बारे में, बेलुगा वेल जो होता है, ये दुनिया का, ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा वेल है। ओके, ये एक्चुअल में बोला जाए तो एक तरह का सिटेशियन ग्रुप में आता है। सिटेशियन ग्रुप में ही डॉल्फिन, वेल और प्रोपॉइसिस भी आते हैं। ओके, अब क्योंकि स्नो वाइट कलर होता है, इसलिए इन्हें हम जनरली स्नो वाइट बेलुगा वेल के नाम से जानते हैं। बेलुगा एक फैमिली बिलोंग में से बिलोंग करता है, जिसमें फैमिली वाइट फ्लाई के उसे मोनोटोनटाइडी के नाम से जानते हैं। तो बेलुगाज एक तरह से मोनोटोनटाइडी फैमिली के अंदर आता है। आर्कटिक वाटर्स जो होते हैं, जनरली नॉर्दर्न रशिया में, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में, नार्वेन आर्किपेलगो में, है ना, इन जगहों पर एक्चुअल में ये वाइट बेलुगा वेल मुख्यतः पाए जाते हैं। बेलुगा की अगर हम बॉडी वेट देखें तो तकरीबन 500 से लेके 1500 kg के आसपास इनका भार होता है। तकरीबन 50 से 60 LBS, यानी जिसको आप कह सकते हैं, पौन छोड़िए आप किलो में देखें, 22 से 27 kg तक का फूड ये हर दिन खाते हैं। एक तरह से ये डिफरेंट तरह के साउंड्स भी मिमिक करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, और काफी हद तक, है ना, ह्यूमन की स्पीच को भी ये समझते हैं। जैसे कि इस तरह डॉल्फिन हमारी बातों को समझता है, तो कहीं ना कहीं वेलगा भी इस तरह की चीजों को मिमिक यानी कॉपी करता है आवाज को। अगर हम अदर वेल के साथ हम कंपेयर करें तो बेलुगा जो होते हैं वो काफी स्लो स्विमर होते हैं, काफी धीरे धीरे तैरते हैं। बेलुगा जो होता है ओशंस में, ओशन के वाटर में मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग, है ना, अप टू 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इनका ब्लबर जो होता है बेलुगास का, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ब्लबर्स के अंदर जिन्हें हवा भरी होती है, सब कॉस्मेटिक ऑयल, वैक्स और साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टैन बेलुगा स्किन होती है, टैन वाली, उसको हम लेदर वगैरह बनाने का काम करते हैं, क्योंकि काफी मोटा होता है। बेलगाज पूरी तरह से साउंड वगैरह को समझने की क्षमता रखते हैं, नॉइस पोल्यूशन इवन अगर बोले तो इनको पूरी तरह से हार्म करते हैं, इनके आवागमन को काफी हद तक ठप करते हैं उस एरियाज में, ये जनरली जो होते हैं। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन, इसके अलावा कुछ और बता दूं, ये साउंड कम्युनिकेशन की मदद से ही अपना फूड और अपने मेटिंग पार्टनर से मिलकर सेक्स वगैरह कर अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से ये कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से अपना बचाव भी करते हैं। यानी जो आवाज होती है, साउंड, वो कहीं ना कहीं इनको डिफरेंट तरह की सेफ्टी भी देता है। अगर इनके बारे में, अगर इनकी डाइवर्सिटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो वेलुगा जो है वो नियर थ्रेटन के बारे में आता है, यानी भविष्य में ये खतरे में आ जाएगा। अभी इनके नंबर समय के साथ कम हो रहे हैं, जो कि IUCN के नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। उसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई। अगर हम साइट या वॉशिंगटन कन्वेंशन के बारे में बात करें, उसके अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा गया है। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, और CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या बोन कन्वेंशन के अपेंडिक्स 2 के अंदर भी बेलुगा को रखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाउ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स डिफर। ओके, जो समरूप जुड़वा होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे जो पूरी तरह से एक दूसरे की कॉपी होते हैं, उनमें कहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं? फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर हम जनरली ट्विंस के बारे में बात करें तो ऐसा कहते हैं कि डिलीवरी का जो इंटरवल होता है ट्विंस का, वो 15 मिनट तक का होता है मैक्सिमम, यानी जुड़वा बच्चे 15 मिनट के अंदर ही दोनों हो जाते हैं। ब्लैक अफ्रीकन रेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में, है ना, उनके यहाँ ट्विंस होते हैं, जबकि एशिया में देखो तो एशियन वेमेन्स में ट्विंस के नंबर्स काफी हद तक कम होते हैं। तो अफ्रीका में ट्विंस ज्यादा है, इंडियाज में काफी मतलब एशियन कंटिनेंट वगैरह एरिया में काफी कम है। अगर हम ट्विंस की बात करें भारत में, तो काफी लो है ट्विंस का होना। ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 1000 बर्थ में 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं। अगर हाई रेट ऑफ ट्विंस देखें तो भारत में कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ट्विंस बहुत ज्यादा हैं, जो कि एक जगह है केरला में कोडिंजी, और दूसरा है मोहम्मदपुर उमरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, अभी तक इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है कि ट्विंस यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है। ट्विंस जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है जिसको हम आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, जो कि एक तरह से मिरर इमेज होते हैं, और दूसरा फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जहां पर दो अलग अलग दिखने वाले ट्विंस आते हैं, हो सकता है सेक्स भी अलग अलग हो। यहाँ पर जनरली जो एक ही तरह वाले जो ट्विंस होते हैं, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या एकदम जुड़वा जो एक तरह की शक्ल वाले होते हैं, कहते
कहते हैं कि तीन ट्विन्स में अगर पैदा होते हैं तो उनमें से एक ट्विन जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, जिनके चेहरे और फीचर्स पूरी तरह से मैच करते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो एक ही जाइगोट से होते हैं और जो पूरी तरह से शक्लें वगैरह एक तरह की होती हैं, इनके फिनोटाइप एक तरह के होते हैं, दिखने वाला जो लुक होता है, इनका मेंटल लेवल एक तरह का होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक तरह के होते हैं, दोनों के व्यवहार भी एक तरह के होते हैं, दोनों का IQ लेवल भी एक ही तरह का होता है। इवन अगर आप देखें तो इनके मार्क्स वगैरह भी एक ही तरह के होते हैं, परफॉर्मेंस भी एक तरह के होते हैं। परफॉर्मेंस का तो एक जीता जाता उदाहरण है मेरे पास, जो ऑस्ट्रेलिया के जो दो क्रिकेटर्स हैं, स्टीव वॉक एंड मार्क वॉक, ये दोनों क्रिकेटर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम के, ये दोनों पूरी तरह से आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अब बात होती है कि हम आइडेंटिकल ट्विन्स को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो DNA मिथाइलेशन का एक प्रोसेस होता है जो जो कि इन जुड़वा बच्चों को एक दूसरे के साथ अलग कर सकता है। DNA मॉडिफिकेशन जो होता है, DNA मिथाइलेशन जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, यानी DNA में कहीं ना कहीं मिथाइल रूप के लग जाने से उसमें किसी तरह के फीचर्स में चेंजेस होते हैं। और एक तरह से बताऊं, DNA मिथाइलेशन जो होता है वो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, जब जीन किसी प्रोटीन को या कैरेक्टर को बॉडी में बना रहे होते हैं उस तरह की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अगर यही अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो जैसे जैसे ये बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं तैसे तैसे इनकी बॉडी के अंदर जो DNA मिथाइलेशन प्रोसेस होता है वो बदलता रहता है, और इनके अंदर जो होते हैं, जो एक ही तरह के आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन आने लगते हैं अगर उनके DNA के मिथाइलेशन को चेक करें तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आइडेंटिकल ट्विंस में जो डिफरेंस होता है वो इसी लेवल पर देखा गया है, यानी DNA मिथाइलेशन पर। ये क्वेश्चन आप मार दीजिएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन कहीं होते हैं तो। टर्क्वाइज आइस इन द लेक बैकाल, तो लेक बैकाल में एक तरह का झील में एक बहुत मतलब टर्क्वाइज आइस मतलब एक तरह का फीचर होता है, ठीक है, तो उस तरह के फीचर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें बात करनी है बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील को हम जनरली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के नाम से जानते हैं, इस एंटायर अर्थ प्लैनेट पर सबसे बड़ा झील इसी को बोला जाता है। ऐसा कहते हैं पूरे पृथ्वी के जो फ्रेश वाटर है, सरफेस वाटर है, उसका 1/5 सरफेस वाटर बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसी लेक में पाया जाता है। इसके अलावा देखें दोस्तों, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट लेक भी है दुनिया का, जो कैसा कहते हैं करीब 250 लाख साल पुराना, यानी 25 मिलियन ईयर्स पहले इस तरह की चीजें आई थी। बैकाल दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक भी कहा जाता है, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ करीब 1642 मीटर यानी 5387 फिट बोली गई है। जनरली ये सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया में है, यानी ईस्टर्न साइबेरिया के दक्षिणी हिस्से में आपको मिलेगा, जो कि ईस्टर्न साइबेरिया रशिया का एरिया है। इसे एक्चुअल में अगर सरफेस एरिया के बेस से बात करें, जो क्षेत्रफल इसने कवर किया है उस बेसिस पर अगर हम देखें तो दुनिया का ये सातवां सबसे बड़ा लेक बोला जाएगा एरिया वाइज। और अगर देखा जाए तो सबसे क्लियर लेक है, यानी यहाँ का पानी दुनिया में सबसे साफ है इस झील का। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर टाइप के वाटर फॉर्म्स होते हैं, जेम लाइक मासेस ब्रोक है। यहाँ पे जो होता है ये जो आइस वगैरह होते हैं, जिस इसमें जो बैकाल झील में जो आइस बन जाती है जब ये टूटता है सनलाइट वगैरह के प्रेजेंस में, तो एक तरह का बड़ा ही एक अलग तरह का अपीयरेंस देता है, जिसको टारकुआइज आइस के नाम से जाना जाता है। ओके, इसे जनरली इसको हम इस बैकाल झील को हम द ब्लू आई ऑफ साइबेरिया के नाम से भी दुनिया में जानते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, जैव विविधता भी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं 2000 वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना यहाँ पर मौजूद है, और जहाँ 1600 फ्लोरा एंड फाना ऐसे हैं पौधे और प्लांट जो दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ इन्हीं झील पे देखे गए हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडमिक है। आगे बात करते हैं लेक, इस झील को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया 1996 में। इसे हम लार्जेस्ट डीपेस्ट क्लियरेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक हम दुनिया में कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक और टॉपिक है दोस्तों, लास्ट टॉपिक है, जो हम कहते हैं इनएक्सपेंसिव नैनो रेस्पिरेटरी फिल्टर। एक ऐसा रेस्पिरेटरी फिल्टर बनाया गया है जो कि सबसे सस्ता है और काफी हद तक कारगर है। तो अब इसे बनाया किस तरह से बारे में बात करें, तो जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड नैनो क्लीन ग्लोबल, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, जिसको हम नैनो रेस्पिरेटरी फिल्टर के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही छोटा है और इस ये हमारे नाक में इस जगह पर अंदर यहाँ पे फिट हो सकता है। ओके, जिसको हम नैसोट्रिल बोलते हैं, तो नैसोट्रिल में इस एरिया में ये जो होल होता है यहाँ पे हम इनको सेट कर सकते हैं। इसे जनरली नैनो रेस्पिरेटरी फिल्टर को नासो फिल्टर के नाम से जाना जाता है। नासो फिल्टर जो होता है वो बहुत ही हाईली पोरस सबस्ट्रेट होते हैं इनके अंदर, जिनका सरफेस फिल्ट्रेशन है ना
जो होता है डेप्थ फिल्ट्रेशन से, मतलब सरफेस से ही ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर कर उसे रोक देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट की विशेषता पर जाते हैं। हाईली एफिशिएंट फिल्टर होता है, जो हाफी फाइनेस्ट फिल्टर होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 पीएम 10 साइज के जो पार्टिकल होते हैं तो उसको 100% ये रोक देता है, और पीएम 2.5 साइज के पार्टिकल होते हैं तकरीबन 95% उनको ये नाक के रास्ते जाने से रोक देता है। हाँ, जो फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, पॉलन एलर्जेंस है, उनको भी ये कोश रोकने की कोशिश करता है। यानी मिला जुला के अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा है और बेस्ट है। थोड़ा सा और बात करते हैं, ये काफ़ी सस्ता रेस्पिरेटरी फिल्टर है और हमारी ज़रूरत के हिसाब से एकदम सटीक है। इसका प्राइस ऐसा कहते हैं ₹10 के आसपास होगा, है ना। और इसे जो इस पूरी टीम को जिन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया है, उसे स्टार्टअप नेशनल अवार्ड दिया गया 2017 का, जो अवार्ड हमारे फार्मर जो पहले प्रेसिडेंट हैं श्री प्रणव मुखर्जी, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना, उन्होंने इस अवार्ड को दिया था। इवन साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने टॉप 50 टेक्निकल स्टार्टअप इन द वर्ल्ड में इसको भी इंक्लूड किया है, जहां 118 कंट्रीज के, है ना, स्टार्टअप को हमने यहाँ पे रखा है। उसमें से हमारा ये नेसोट्रिल जो है ये भी इसके अंदर लिया गया है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा साइंस रिपोर्टर था। उम्मीद करता हूँ ये साइंस रिपोर्टर आपके लिए बहुत ही प्रीशियस होगा। और इसके अलावा अगर आप साइंस रिपोर्टर एनवायरमेंट वगैरह, अगर साइंस टेक वगैरह के लिए आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को लीजिएगा। ये बुक पूरी तरह से अपडेट है। ये बैकग्रा हिल पब्लिकेशन की किताबें हैं जो मैंने खुद लिखी हैं, और इसमें पूरी तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को मैंने दिया हुआ है। इवन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म में जिन्होंने मेरे पेनड्राइव कोर्सेज लिए हुए हैं साइंस टेक वगैरह के, तो वो पूरी तरह से इस बुक को लें और इनको पढ़ें। और अगर आपने नहीं भी लिए तो भी आपको ये बुक, है ना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आई हुई है, इन्वायरमेंट की इंग्लिश में आ रही है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप बिल्कुल कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साइंस रिपोर्टर अब आपको कंटिन्यू मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय।